आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एलपीजी एजेंसी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप एलपीजी एजेंसी के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो एलपीजी एजेंसी के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से आप एलपीजी एजेंसी के लिए आप ऑनलाइन घर बैठे किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको गैस एजेंसी लेने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसके लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके भी आप इस पेज पे आ सकते हो। ये आपने ब्राउज़र में टाइपिंग कर दीजिएगा lpg.bhatakchain.in। इसको सिंपली सब ये फॉर्म आपको ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं रजिस्टर कर नाउ का ऑप्शन है, यहाँ रजिस्टर पर ओके कीजिएगा। जैसे ओके कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से एक छोटा सा फॉर्म ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको डालना है फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम और यहाँ पर डालना है लास्ट नेम। यहाँ जेंडर चूज लिया, जो भी जेंडर आपका है वो जो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसको यहाँ ईमेल आईडी जो वैलिड ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना ही जरूरी है क्योंकि आपको ये जो कोड आएगा इसी मोबाइल नंबर पे ही आएगा। इसको यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा। इसको यहाँ पर आपको एड्रेस में डाल देना है, एड्रेस 1, 2, 3 में आपको यहाँ एड्रेस डालना है। इसके बाद सिंपली यहाँ से आपको स्टेट चूज कर लेना है, इसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, पिन कोड, इसके बाद पासवर्ड को आप लोग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिएगा। जैसे मेरा नाम इंजीनियर राजा तो पहले का शब्द होना चाहिए कैपिटल स्मॉल, इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर को भी एक, इसके बाद नंबर, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर टाइपिंग कर दीजिएगा, ये कैप्चा डाल के आपको यहाँ पर जनरेट OTP पे आपको ओके करना है। जैसे OTP पर जनरेट OTP पे ओके कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो नंबर मोबाइल नंबर डाले हैं उस नंबर पर आपको एक OTP जाएगा, OTP डाल के आपको इसको वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके मोबाइल पे OTP किया होगा, वो OTP यहाँ पर डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने पासवर्ड दिया, इसके बाद यहाँ लिखा कर रहा सक्सेसफुल्ली, इसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो आप पासवर्ड चूज किए वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ आप मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही यहाँ पर आपके यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड आते ही देख रहे हैं यहाँ मेरा जो एप्लीकेंट जो है यहाँ डैशबोर्ड लिखा हुआ है, माई एप्लीकेशन एडिट पर्सनल डिटेल, यहाँ चेंज पासवर्ड और लॉगआउट, यहाँ से भी आप हो सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर्सनल डिटेल यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं एडिट पे जाके, यहाँ चाहे तो आप पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और माई एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि आप जो अप्लाई किए हैं उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर देखना होता है कि कौन कौन से स्टेट के लिए डीलरशिप की वैकेंसी निकली हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए डीलरशिप की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम जो इसका वैकेंसी निकलता है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे ऐड होते जाता है। तो यहाँ पर आप लॉगिन होकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इन स्टेट से है तो यहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरी स्टेट से है तो ये टाइम टू टाइम यहाँ वैकेंसी निकलती रहती है, आप वेट कीजिएगा और यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर आप चेक करिएगा। जैसे ही आपका स्टेट का नाम यहाँ पर आएगा तो आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का, अगर मध्य प्रदेश से है आप तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए ये इसे ओपन होकर ये आ चुका है। ओके करते ही देखते हैं यहाँ पे जो गुजरात यहाँ मध्य प्रदेश से जितने डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपके यहाँ पर ये पूरे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपका शो कर देगा, जो भी मध्य प्रदेश में जितने डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेम ऑफ लोकेशन जो भी जहाँ पे है उसका ये शो कर रहा है। यहाँ पर ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम पंचायत शो कर रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटर टैप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर टैप यहाँ कैटेगरी जो है ओपन है, SC है, OBC है, तो ये कैटेगरी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि ऑल जो कंपनी है उसका भी यहाँ पर निकली हुई है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, स्टेट है जो मध्य प्रदेश वो यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद टाइम और जो लास्ट टाइम है वो टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा किसके लिए क्या टाइम है, तो यहाँ से आप टाइम भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो चूज करना होगा जो भी आप ग्राम पंचायत से है तो उसको ग्राम पंचायत को पंचायत को चूज करना पड़ेगा।
फिल्म चलिए मैं इसको मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। चूज करने बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे उसकी आ गई है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो है जो कंपनी ने कब अपना नोटिस ये जारी किया है। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अब देख सकते हैं कैटेगरी देख रहे हैं वो भी से के लिए है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लॉक इसका ये दिया हुआ है स्टेट आपका ये है। इसके बाद यहाँ एप्लीकेशन फी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर 800 रुपये लगेंगे। इसके बाद एस सी के लिए यहाँ 2500 OBC के लिए यहाँ पर 4000 और एस सी के लिए 2500। तो इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके लिए कितना प्राइस है यहाँ पर और नीचे आपकी डिटेल आ जाएगी। जो भी डिटेल आप भरे तो नीचे यहाँ पे आपकी डिटेल रहेगी। नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे आपको नीचे पूरे फॉर्म जो है ना इसको आपको फिलअप करना है। तो आप पहला है कि यहाँ नेम ऑफ न्यूज़पेपर यहाँ बोल रहा है कि आप कौन से न्यूज़पेपर में देखे हैं। तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी न्यूज़पेपर में देखे हैं। यहाँ से जो एप्लीकेशन है उसकी कैटेगरी चूज करेंगे जो भी एप्लीकेशन है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका फादर नेम यहाँ डालना है। फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम और फादर का लास्ट नेम आपको यहाँ पे चूज करके डालना पड़ेगा। और यहाँ पर दे रखा है कि जिस ग्राम पंचायत के लिए जो वैकेंसी निकली है क्या आपका एड्रेस यहाँ पर है, अगर है तो यस कीजिए नहीं तो नो कीजिए। तो मेरा है तो यहाँ पर हम यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सब डिवीजन चूज कर लेंगे यहाँ पर यस नो। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर पैन नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर है कि अपने स्कूल का नाम डालेंगे, इसका बोर्ड चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ ईयर ऑफ पासिंग चूज करेंगे। और अगर आप और भी जो इंटर किए हुए हैं ग्रेजुएशन किए हुए तो यहाँ से जाके इसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसको नाम डाल सकते हैं। अगर हटाना ही एक ही है तो हमको सिंपल यहाँ पर आगे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है मैरिट स्टेटस की आपकी शादी हो गई है, अगर हो गई है तो यहाँ मैरिट में ओके करेंगे, अगर नहीं हुई है तो सिंगल यहाँ पर डालेंगे, अगर हो गई तो मैरिट पर ओके करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि फादर हस्बैंड का नेम और यहाँ पे सरनेम डालना पड़ेगा। जो भी है फर्स्ट नेम तो यहाँ पर डाल सकते हैं। या जैसे हुआ कि अगर कोई लेडीज भर रहा है तो यहाँ पर हस्बैंड के नाम डालेंगे, या कोई मर्द जेंट्स भर रहा है तो वहाँ यहाँ पे अपना वाइफ का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पे सरनेम यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद है कि यहाँ पे अगर कोई केस है, अगर केस है तो यहाँ पे यस नो करेंगे आप। यहाँ लैंड के बारे में पूछ रहे हैं जहाँ पर आप कनेक्शन लेंगे, तो यहाँ पूछा कि लैंड की है अपनी है या फैमिली की है, तो वो यहाँ से आपको चूज करके डालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको लैंड के ऑनर के नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा। और किसी और के लिए डाल रहे हैं तो यहाँ पर उसका रिलेशन चूज करना होगा। अगर आप खुद ही डालें तो यहाँ सेल्फ ओके कर देंगे। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे आपको डेट डालनी पड़ेगी जो जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन हुआ है। और यहाँ पे आपको एलपीजी का जो है उसका लोकेशन यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर लोकेशन आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो आपको पूरा फॉर्म को ऐसे ही फिलअप करना, अगर पूरा एक एक करके बता दें लग गया तो यहाँ पर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बोला आपको फोटो अपलोड कर लीजिए, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए फोटो जो है 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 150 KB से मैक्सिमम साइज है उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट है जैसे पासपोर्ट की जो अप्लाई करने में आती है तो यहाँ से आप यस करके चूज करके भर सकते हैं। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए और यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद यहाँ अपने प्लेस के नाम डालनी है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको सेव पे ओके कर देना है और इसको सेव करके रख भी सकते हैं। और इसके बाद सब कुछ डिटेल सही है तो यहाँ पर आप सबमिट एप्लीकेशन पर जाकर इसको फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्म आप सबमिट कर देते हैं तो कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। और वहाँ पर कुछ नंबर दिए जाते हैं, उन्हीं नंबरों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। इसके बाद सब कुछ सही रहा तो कंपनी आपके लैंड की वेरिफिकेशन करेंगी, सारी चीज़ें वेरीफाई करती है। और वेरीफाई करने के बाद आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि आपको इसी डेट में आपको लैंड को जो डिस्ट्रीब्यूटर आप लिए हैं उसको आपको ओपन करना है और इस टाइम में आपकी एजेंसी को आपको ओपन करना है। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीका से एलपीजी एजेंसी के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने लैपटॉप से, मोबाइल फ़ोन से। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।